तो कढ़ी पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं भीगी हुई चने की दाल, तो जिसको हमने रात में ही भिगो कर रख दिए थे, अच्छी तरह से भीग गए हैं। तो अब हम इस दाल को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे। और इसी के साथ हमने लिए हैं 8 से 9 लहसुन की कली, तो इसको भी हम डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने फाइन पेस्ट बना लिए हैं। अब हम पिसी हुई दाल को थोड़ा सा निकाल लेंगे, 4 से 5 चम्मच हम निकाल कर रख देंगे कढ़ी बनाने के लिए। और बचे हुए पेस्ट का हम पकोड़े बना लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, तो 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जितना जीरा। और इन सारे चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हमने गैस पर रख दिए हैं एक कढ़ाई, और इसमें हमने डाल दिए हैं तेल पकोड़े तलने के लिए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके पकोड़े डाल लेंगे। तो एक बार में जितना आए उतने पकोड़े आप भी डाल लीजिएगा। देखिए हमने पकोड़ों को डाल दिए हैं, अब हम इनको एक तरफ से सिकने देंगे। एक तरफ से सिक गए हैं पकोड़े, तो अब हम हल्के हाथों से इनको पलट लेंगे। और इसी तरीके से हम उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। पकोड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी के भी पकोड़े तल लेते हैं। हमारे दोबारा के भी पकोड़े फ्राई हो गए हैं, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो आइए अब हम कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने जो बचे हुए दाल पीस कर रखे थे ना, तो उसमें हम 2 ग्लास पानी डाल लेंगे। तो पहले हम 2 ही ग्लास पानी डालेंगे, और जरूरत पड़ने पर हम बाद में और पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हमने सेम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दी है, और इसी के साथ हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा के चटकते ही हम डाल देंगे जो हमने कढ़ी का घोल तैयार किए थे, तो सारे घोल को हम डाल देंगे। और इसी में हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, तो टोटल हमने 2 से 2.5 ग्लास पानी डाल दिए। और इसी के साथ हमने डाल दिए 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 छोटी चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक। और सारी चीजों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसके बाद हम डालेंगे 1/2 कटोरी फिटी हुई दही, और दही डालकर हम एक बार फिर से मिक्स करेंगे। अब हम डाल देंगे जो हमने पकोड़े तल कर रखे थे ना, तो सारे पकोड़े को हम डाल देंगे। और पकोड़े को डालकर हम लगातार चलाते हुए इसमें उबाल आने देंगे। तो इसको लगातार चलाते जाइएगा, नहीं तो दही डाले है ना तो फट जाएगी। तो ये देखिए हमारे कढ़ी पकोड़े में अच्छे से उबाल आ गई है, तब हम गैस को बंद कर देंगे। और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से हरे धनिया की पत्ती, और एक बार मिक्स करेंगे। और इसमें हम तड़का लगाएंगे, तड़का लगाने से और भी ज्यादा स्वाद इसमें बढ़ जाएगा। तो तड़का पैन बैठा दिए हैं, और इसमें हम डाल दिए हैं 1 चम्मच जितना तेल, और तेल के गर्म होते ही 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों, और 2 चुटकी हम डालेंगे हींग, और 1 सूखी लाल मिर्च, और थोड़े से हम डालेंगे कड़ी पत्ता। और इन सारे चीजों को चटकने देंगे। और अब हमने गैस को बंद कर दिए हैं, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर एक बार मिक्स करेंगे, और सीधे हम इस तड़के को कढ़ी पकोड़े में डाल देंगे। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म कढ़ी पकोड़े बनकर तैयार है। तो इसको आप चावल के साथ परोस सकते हैं, या खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।